पड़ेगा, नमाज भी पढ़ना होगी, कुरान भी पढ़ना होगा और गुनाहों से बचना भी होगा। दिल की ख्वाहिशों पर अमल नहीं बल्कि हमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके दिखाना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए शायर कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कहाँ की ये नमाजें, कहाँ की ये रोजे, कौन से हज, कौन से जिक्र अजकार, बंदा सारी जिंदगी सजदे में पड़ा रहे, दिन सारी जिंदगी कुरान की तिलावत करता रहे, जिक्र अजकार करता रहे, खाना पीना छोड़ दे, पहनना छोड़ दे, तमाम जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहे, अगर उसके दिल में हुजूर अली सलातो सलाम की मोहब्बत की कमी होगी, ताजीम मुस्तफ़ा ना होगी, सहाबा से मोहब्बत ना होगी, ताजीम औलिया ना होगी, अल्लाह को उसकी नमाजों से कोई सरोकार ही नहीं, बल्कि ये नमाजें, ये कुरान, ये इबादतें क़यामत वाले दिन उसके सूरत पर मार दी जाएंगी, ठीक है ना। सबसे बढ़कर चीज क्या है, मोहब्बत रसूल, मोहम्मद की मोहब्बत खूनी रिश्तों से बाला है, मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। कोई अगर भाई है लेकिन वो गुस्ताखे रसूल है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कोई अजीज है लेकिन वो गुस्ताखे रसूल है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर बेटा है वो गुस्ताखे रसूल है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बेटी है, माँ बाप है, अजीज व अकारिब है, अगर वो गुस्ताखे रसूल हैं, ताज़ीम मुस्तफ़ा के मुनकर हैं, आकली सलातुसलाम के वो मुनाफिक हैं, हुजूर की तौहीन करने वाले, तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, ठीक है ना। ये ईमान की तड़प है, ईमान का जज्बा ये होना चाहिए। आकल इस्लाम का, जब आकल इस्लाम का जिक्र किया जाए, हुजूर की नात पढ़ी जाए, तो बंदा क्या मचल उठे, दिल दीवाना हो जाए, हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला।